हेलो एवरीवन, आज मैं थोड़े लिए लेके आई हूँ फ्राई करेले की सब्जी। ये सब्जी बहुत वधिया बनती है, खाने में ये सब्जी बहुत स्वाद होंगी है। करेला यानी कि बिटर गर्ड हल्का जहा कौड़ा होंगे, पर जो तुम करेले की सब्जी इस तरीके नाल बनाओगे तो तुम्हें बिल्कुल कौड़ा नहीं लगेगा करेला खाने में। चलो शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। तकरीबन 300 ग्राम मैं करेले ले है। इन्होंने करेलों का मैं छिलका नहीं उतारना, तुम चाहो तो इन्हों का छिलका उतार सकते हो। करेलिया मैं साइड तो कट लेना। मैं जो भी करेले बनाई हूँ तो छिलका उतारे बिना मैं करेले बनाई हूँ। मैं करेलिया इस तरीके कट लेना। करेलिया ज़्यादा मोटा नहीं कटना, मैं थोड़ा बरीक ही कटूँगी। करेलिया जो मैं कटना तो इस जोड़े पक्के बीज ने वो मैं कट देने ने, नरम नरम बीज मैं इसते रख लेने ने। सारे करेलिया मैं कट ले। तो एक गल का ध्यान रखना, करेले तुसी मोटे नहीं कटने, बरीक ही कटने, नहीं तो करेले क्रिस्पी नहीं बनने। करेलिया की कटिंग करके इन्हों के बीज कट के इन्हों मैं चंगी तरह धो लिया। हूँ मैं करेलिया के नमक पाऊँगी। एक वड्डा चम्मच मैं नमक का पा लेना। नमक में करेलिया चंगी तरह मिक्स कर लेना। करेलिया के उपर नमक लगाने तो बाद करेले अपना पानी छड़ देंगे। करेलिया के जोड़ा पानी होंगे वह बहुत कौड़ा पानी होंगे, इस तरह नमक लगाने करेलिया का कौड़ापन खत्म हो जाता है। करेलिया नमक में चंगी तरह मिक्स करके इन्हें करेले को कवर करके मैं अद्धे घंटे लिए रख दूंगी। करेले में नमक ला के रखे अद्धा घंटा हो चुके है। अद्धे घंटे बाद जो तुम करेले देखोगे तो करेले अपना पानी छड़ देंगे। तुसी करेलिया कुट कुट के चंगी तरह करेलिया का पानी निचोड़ देना, क्योंकि पानी में बहुत कुड़त्तण है। अब तुम देखो करेलिया ने काफ़ी पानी छड़ता। इस तरह तुसी देखो पानी निचोड़न नाल करेलिया का सारा कौड़ापन दूर हो जाता है। इस तरह मैं सारे करेलिया का पानी निचोड़ता। अब तुसी देखो करेलिया ने कितना पानी छड़ता, काफ़ी पानी करेलिया के विचों निकले। करेले अपने सब्जी बनाने लिए तैयार ने। हुण इन्हां करेलिया मैं फ्राई करूँगी। एक कढ़ाई में 4 तो 5 चम्मच मैं सरों के तेल दे पाऊँगी। तेल मैं एक बार तेज़ गर्म कर लेना, क्योंकि सरों के तेल में थोड़ा जहा कौड़ापन हुंदा, तो फिर इस तो थोड़ा जहा ठंडा कर लेना। हम इस तेल में मैं करेलिया डीप फ्राई कर लेना। करेलिया डीप फ्राई करने तो बाद जिहड़ा इन्हां विच थोड़ा बहुता कौड़ापन हुंदा वह भी खत्म हो जाता है। जे तुहानू करेलिया विच थोड़ा बहुता कौड़ापन पसंद है तो तुसीं इन्हां करेलिया घट देर लई नमक लगा के रखो। करेलिया नमक सिर्फ 10 मिनट लई लगा के रखो, अद्धे घंटे लई नमक लगा के ना रखो। जे तुसीं इन्हां करेलिया 10 मिनट नमक लगा के रख के निचोड़ लोगे तो करेलिया हल्का जहा कौड़ापन रहेगा। मैनू करेलिया कौड़ापन पसंद है। जो भी मैं करेले बनाने मैं सिर्फ 10 मिनट लिए नमक लगा के रखती हाँ। इन्हों करेलिया मैं लगातार हिलाते हुए डीप फ्राई कर ले ता को चारों तरफ तो चंगी तरह फ्राई हो जाए। ये करेले वधिया क्रिस्पी फ्राई हो गए, लाइट ब्राउन कलर हो गया इन्हों करेलिया का। हूँ इन्हों करेलिया मैं एक प्लेट में कढ लेना। इसे तेल में हूँ मैं प्याजा फ्राई कर लेना। 3 मीडियम साइज़ के प्याजा मैं लंबा लंबा कट ले। इन्हें प्याजा मैं लगातार हिलाते हुए फ्राई कर लेना। प्याजा मैं ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इन्हों का कच्चापन दूर करना। हल्के जे लाइट ब्राउन कलर के प्याज हो जाए बस मैं इन्ना की प्याजा फ्राई करना। इस तरह लगातार हिलाते हुए मैं प्याजा फ्राई करके मैं बाहर कढ़ के एक तरफ रख देना। इस तरह प्याज के करेले फ्राई करके जो आप करेले की सब्जी बनाने तो उसका टेस्ट अलग ही होंगे। जो तुम इस तरीके करेले की सब्जी बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कितनी टेस्टी करेले की सब्जी बनती है। प्याज अपने फ्राई हो चुके, इस तो ज़्यादा मैं प्याजा फ्राई नहीं करना। इन्हों भी मैं प्लेट में कट लेना। प्याज के करेले मैं फ्राई कर लिया। तुम देख सकते हो करेले अपने किन्ने क्रिस्पी तो एकदम कुरकुरे फ्राई हुए हैं। प्याज अपने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। हूँ उसे कढ़ाई में मैं 1 चम्मच ऑयल डाल लूँगी। इस विच मैं पाऊँगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच मैं इस विच कलौंजी पाऊँगी। तुसी इस विच अद्धा छोटा चम्मच सौंफ का भी पा सकते हो। 1/4 चम्मच मैं इस विच पाऊँगी मेथी दाना। कुछ सैकेंड्स लिए इन्हों फ्राई करूँगी। हूँ इस विच पाऊँगी मैं टमाटर। एक मीडियम साइज़ के टमाटर मैं कद्दूकस कर लिया। तुसी टमाटर नू कद्दूकस भी कर सकते हो, ग्राइंड भी कर सकते हो, टमाटर नू कट के भी पा सकते हो।
एक तो 2 मिनट लिए मैं टमाटर नू पका लेना। हुण मैं इस विच पाऊंगी कुछ पाउडर मसाले। 1/4 चम्मच मैं इस विच पाऊंगी हल्दी पाउडर, इसे नाल ही 1/2 चम्मच पाऊंगी धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इस विच पाऊंगी लाल मिर्च पाउडर। तुसी ज़्यादा तिखा पसंद करते हो तो ज़्यादा पा लो। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाऊंगी। हुण इन्हां मसालियां नू कुछ सैकेंड्स लिए फ्राई कर लेना। 1/2 चम्मच मैं इस विच नमक पाऊंगी। नमक तुसी ध्यान नाल पाउणा क्योंकि पहलां केलियां विच वी आपां नमक पाया होया। मैं पैन विच पाऊंगी फ्राई किए हुए करेले। इसे नाल ही मैं प्याजा भी पा लेना जो आपां फ्राई किए। करेले ते प्याज नूं मसाले विच चंगी तरह मिक्स कर लेना। तुसी देख सकते हो जिहड़ा आपां मसाला तैयार किया सी करेले ते प्याज दे उपर चंगी तरह कोट हो गया। मैं 3 तों 4 मिनट तक करेले ते प्याज नूं मसाले दे नाल पका लेना। हुण मैं लगातार हिलाउंदे हुए सब्जी नूं पका लेना तां कि प्याज विच जिहड़ी कसर है थोड़ी जी प्याज भी चंगी तरह पक जाए, मसाला भी करेले ते प्याज विच चंगी तरह मिक्स हो जाए। हुण मैं इस विच मिक्स करूँगी 1 वड्डा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर ऐड करने नाल करेले की सब्जी का टेस्ट बहुत वधिया हो जाता है। इस नूं ऐड करने नाल करेले की सब्जी भी थोड़ा जिहा टेंगी टेस्ट हो जाता है तो बहुत वधिया लगता करेले की सब्जी विच। पर हुण गर्मियों का मौसम चल रहा है, जे तुहाडे कोल छोटे छोटे कच्चे अंबियां हैगे ने तां तुसीं उन्हां नूं भी कद्दूकस करके करेले की सब्जी विच पा सकते हो। कच्चे अंबियां का टेस्ट भी करेले विच बहुत दमदार हुंदा। पर जे अंबियां का मौसम ना होवे तां फिर तुसीं अमचूर पाउडर पाओ ते चंगी क्वांटिटी विच पाओ 1 तों 1.5 चम्मच। इस नूं लगातार हिलाउंदे जाओ ते पकाउंदे जाओ जो तक ऑयल तुहानूं कढ़ाई दे साइड ते दिखण ना लग जाए। फ्लेम तुसीं लो टू मीडियम रखनी है। सब्जी अपनी सर्व करने लिए रेडी होगी। बहुत ही वधिया बनती है करेले की सब्जी। मैं इस सब्जी नूं गरम गरम सर्व करूँगी। तुसीं इस सब्जी नूं रोटी नाल सर्व कर सकते हो। स्पैशली इस सब्जी परौंठे नाल तां बहुत स्वाद लगती है। तुसीं इस सब्जी नूं लंच बॉक्स विच भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही वधिया सिंपल जी रेसिपी है पर खाण विच इसका टेस्ट बहुत वधिया। तुसीं इस नूं ट्राई करोगे तो तुहानूं पता चलेगा क्योंकि करेले दे तां बहुत हैल्थ बेनीफिट्स ने। डायबिटीज़ लई तां करेला बहुत वधिया हुंदा। करेले की सब्जी, करेले का जूस तां फैट कटर मन्निया जांदा। बहुत ही न्यूट्रिशियस है सब्जी तो इसका टेस्ट भी बहुत वधिया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि तुहानूं मेरी अज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तुसीं इसनूं फैमिली फ्रेंड्स भी शेयर करो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। मेरी वीडियो देखने तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।